नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सावरे अंकितान और आप देख रहे हैं साई एडुकेशनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दरोगा कैसे बने, दरोगा बनने के लिए हमें कौन सी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करनी होती है और हमें कब तक पढ़ाई करनी होती है और दरोगा बनने के लिए क्या क्या फिजिकल क्राइटेरिया होते हैं, कितना दौड़ लगानी होती है, कितनी चेस्ट होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम पूरे डिटेल में आज हम जानेंगे और दरोगा बनने में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तब जाके हम एक कंप्लीट दरोगा में ज्वाइनिंग कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक लाइक कर दें और पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट भी ज़रूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दरोगा बनने के लिए हमें कितनी क्लास तक पढ़ाई करनी होती है। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर, दरोगा बनना है तो क्या हम 10th के बाद दरोगा बन सकते हैं या 12th के बाद बन सकते हैं या फिर मुझे ग्रेजुएशन करना होगा। दोस्तों, आप सबसे पहले जान लें कि आपको दरोगा बनने के लिए 10th पास यदि आप करते हैं तो ना ही 10th और ना ही 12th, ये दोनों पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा। यानी जब आप ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं तब आप दरोगा का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यानी ग्रेजुएशन पास करने के बाद ही आप दरोगा बन सकते हैं, ना कि 10th या 12th पास करने के बाद। 10th या 12th पास करने के बाद आप पुलिस बन सकते हैं, कॉन्स्टेबल बन सकते हैं, दरोगा नहीं बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दरोगा बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट लेकर के मुझे 11th, 12th और ग्रेजुएशन में पढ़ाई करनी होती है। सबसे पहली बात ये दोस्तों आप जान लें कि यदि आपको दरोगा बनना है तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं 11th, 12th और ग्रेजुएशन में। चाहे आप 11th, 12th में आपका साइंस हो या फिर कॉमर्स हो या फिर आर्ट हो, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आप 12th कर सकते हैं। इसके बाद जब बात आती है ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में भी आप एक बात जान लें, आप MBA करें, BBA करें, BCA करें, BTEC करें, यानी जो भी कोर्स आप करना चाहें या फिर सिंपल आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस के कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन सिर्फ होना चाहिए दरोगा में जाने के लिए। आपको ये बातें क्लियर होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जब आप दरोगा बनने का मन बना लिए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें आती हैं कि सर, अब हम उसकी तैयारी कैसे करें, उसके बाद दरोगा बनने में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहली बात आप ये जान लें कि आप जिस भी स्टेट से हैं, आपके स्टेट में जब दरोगा की बहाली आएगी तो उसका फॉर्म निकलता है, आप उस फॉर्म को फिलअप करें। और एक बात है और दोस्तों, कि दरोगा बनने के लिए कितनी उम्र की ज़रूरत होती है, तो एक बात आप जान लें कि दरोगा बनने के लिए आप 21 साल के बाद और 28 साल तक आप दरोगा बनने के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी 21 साल यानी आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और हाईएस्ट आपका 28 साल तक, उसमें एज लिमिट रहता है, तब तक आप जो है दरोगा के लिए तैयारी कर सकते हैं। यदि आप SC ST या OBC इस तरह की जो कास्ट की जो क्राइटेरिया होती हैं उस हिसाब से रहेंगे तो उनका डिटेल निकाल करके आप देख लेंगे, उसमें दिया हुआ रहता है कि आप किस कास्ट से हैं, आपको उसके ऊपर कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कभी किसी में 2 साल 3 साल इस तरह की छूटें मिलती हैं। तो हम जान लेते हैं दरोगा में जाने के लिए हमें कितनी हाइट चाहिए। हाइट सभी स्टेट के अपने अपने अलग अलग होते हैं, वो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके डिटेल में आप देख लेंगे कि किस स्टेट के बहाली में कितनी हाइट मांग रही है। लेकिन एक एवरेज में आपको जो बता रहा हूँ, हाइट होती है 168 cm या फिर 5.51 फीट मान लें आप, ये मैक्सिमम हाइट होती है। और सारे स्टेट के अपने अपने अलग होते हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तब आप देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमारी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। चेस्ट जो है मेल का होता है 179 से 184, फीमेल की हाइट होती है 152 cm यानी 4.92 फीट, ऐसे कुछ मान लें आप। मेल चेस्ट चाहिए 79 से 84 के बीच सेंटीमीटर, सारे स्टेट के इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप जान लेंगे। अब जान लेते हैं कि रनिंग कितनी करनी होती है। दरोगा की बहाली में आपको, यदि आप मेल हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर की
रनिंग करनी होती है 28 मिनट में, और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 16 मिनट में। इन सारी चीज़ों को हम जान लिए, अब सबसे ज़रूरी बातें आती हैं कि हम दरोगा की तैयारी कैसे करें, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ने होते हैं। आप देखिए, जो भी व्यक्ति 8 सब्जेक्ट से 11th, 12th या फिर ग्रेजुएशन पढ़े होते हैं उन्हें हद तक इसमें मदद मिलती है, क्योंकि सबसे पहले आप जान लें कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने होते हैं। दरोगा की बहाली में आपको पढ़ने होते हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज और कुछ कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी रहते हैं और करेंट अफेयर्स के, और मैथ के क्वेश्चंस इसमें ना के बराबर रहता है। हो सकता है कभी कभार कुछ पूछ दे तो आप मैथ को भी मान लें। और आप जान लें कि जब आप तैयारी करने में आपको लगना है तो आपके स्टेट में जो पिछले साल यानी जो पहले दरोगा के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस आप मंगा लें। आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है प्रैक्टिस सेट, वो आप मंगा लें। आप 4 से 5 प्रैक्टिस सेट मारेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन दरोगा में पूछे जाते हैं। उसके बाद आप उस अनुसार से जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो या आप नहीं पढ़े हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात करते हैं हम अभी के समय के, तो पहले तो हमारे पास ऑफलाइन ट्यूशन जाने की ऑप्शंस थे कि हम ऑफलाइन किसी कोचिंग में जा कर के पढ़ाई कर सकते थे, तैयारी कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि हमारे घर बैठे हमारे पास यूट्यूब है जहाँ पे बहुत सारे टीचर आपको दरोगा की तैयारी करा रहे हैं, आप तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं जो भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि दरोगा की बहाली का क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस आप जान लें कि जब भी दरोगा का फॉर्म आए आप अपने स्टेट में, वो आप पता करें, उसके बाद फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप तैयारी करें, एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम यदि आप पास कर जाते हैं तो फिर आपके फिजिकल होते हैं। आप फिजिकल यदि पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के पहले आपका मेडिकल हो सकता है, उसके बाद फिर आपका फाइनली ज्वाइनिंग होता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना होता है, तब जाके आप दरोगा बनते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जाते जाते लास्ट में यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप किस स्टेट से हैं और आप दरोगा बनने के इच्छुक यदि हैं तो आपके मन में यदि और भी क्वेश्चन चल रहा है तो वो पूछें। आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि आप किस स्टेट से हैं। थैंक यू दोस्तों।